हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज फिर अपने साथ आप लोगों को एक नई जर्नी पे लेके जा रहा हूँ। इस जर्नी की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले हमें चलना होगा नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी मेट्रो स्टेशन। जी हाँ, यहीं पर मेरा ऑफिस है, तो ऑफिस के मिड पॉइंट पे मैं बिना बताए वहाँ से निकल लिया। ऐसा मैंने इसलिए क्योंकि कल है मेरा बर्थडे और मैंने सोचा पार्टी वार्टी करने से अच्छा है कि किसी रिलीजियस प्लेस चला जाए। तो मैं कभी नहीं गया था मथुरा, तो आज मैं जा रहा हूँ मथुरा। तो यहाँ से हमें जाना है गाज़ियाबाद रेलवे स्टेशन। हालांकि गाज़ियाबाद रेलवे स्टेशन के लिए कोई पर्टिकुलर मेट्रो है नहीं, लेकिन वहाँ नियर बाई मेट्रो स्टेशन है, वहाँ पर आप जा सकते हो। अभी मैं यहाँ से चलूँगा और नियर बाई जो हिंडन रिवर मेट्रो स्टेशन है वहाँ पर मैं उतरूँगा। मेट्रो का इंतज़ार कर रहे हैं, अपनी मेट्रो भी आ चुकी है। इसमें बैठेंगे और पहुँच जाएंगे ऐसे गाज़ियाबाद। गाज़ियाबाद हम पहुँच चुके हैं, हालांकि इतना आसान नहीं है, आपको बीच में कई सारे स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। और यहाँ से हमारी ट्रेन लेट है पर कुछ देर में आ जाएगी, तो ट्रेन का भी वेट करेंगे। और ट्रेन आते ही हम सीधे चलेंगे यहाँ से मथुरा स्टेशन के लिए। ट्रेन में ट्रेन हालांकि थोड़ी सी लेट थी, पर हम ट्रेन में बैठ चुके हैं। 2 hours later तो फाइनली अभी हम लोग मथुरा जंक्शन जा चुके हैं। यहाँ से मैं पहली बार आया हूँ, मुझे पता नहीं है एक्चुअली में कहाँ जाना है, कहाँ से क्या होगा, कैसे ट्रेन मिलेगी। तो अभी देखते हैं क्या होता है, बाहर निकलते हैं, किसी से पूछेंगे, कोई ऑटो वाला है, कोई कैब वगैरह, उससे पता करेंगे भाई नियर बाई क्या क्या है। और क्योंकि हमारे पास अभी भाई पूछा था मैंने काफ़ी लोगों से, तो बोल रहे हैं कि बाहर निकलो, अभी स्टेशन से अपन बाहर निकल रहे हैं। ऐसी वजह से ठंड बहुत लग रही है यार, यहाँ पर बहुत ठंड लग रही है। ट्रेन से बाहर निकलते मेरी तो हालत ख़राब हो गई। मैंने सबसे पहले कैब निकाला, ब्लैंकेट है नहीं। अभी सबसे पहले अपने को क्या करना है, सबसे पहले तो रूम ढूंढना है, होटल ढूंढना है कोई ठीक ठाक सा। उसके बाद प्लान करना है कि कल क्या करना है, क्योंकि हमारे पास केवल एक ही दिन है और उसी एक दिन में हमें चीज़ें कवर करनी है मैक्सिमम अच्छी से अच्छी चीज़ें। और विदाउट एनी स्किप अभी हम फाइनली आ गए यहाँ से। आपको दिख रहा होगा वृंदावन 13 किलोमीटर है, कृष्ण जन्मभूमि 3 किलोमीटर, गोवर्धन चौराहा 3.5 किलोमीटर। पर हमें लगी है भूख, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ईट समथिंग। हम कुछ खाने के लिए ढूंढ रहे हैं, कुछ मिल जाए मे बी। चलो खाना ना खाते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। दोस्तों खाना खाने के बाद मैं बहुत थक गया था, तो मिलते हैं सुबह। The next day. So भाई फाइनली शाम का वीडियो इसलिए नहीं आया था क्योंकि भाई भूख बहुत लगी थी मुझे और थोड़ा सा रश वगैरह भी था। सैटरडे संडे का है, सैटरडे संडे को मोस्टली क्या होता है यहाँ पर भीड़ बहुत ज्यादा हो जाती है। भीड़ इन अ सेंस की सैटरडे होता है संडे होता है, 2 दिन की छुट्टी होती है लोगों की, तो दिल्ली से भी यहाँ पर आते हैं, गाज़ियाबाद से, मतलब नियर बाई जितने भी आपको सिटीज़ मिलेंगी, जितने भी मिलेंगे आपको स्टेट वगैरह से, दिल्ली अपने पास का है और मेरठ, बुलंदशहर, कानपुर, मतलब ये सब आसपास के शहर हैं। तो वहाँ से क्या होता है कि लोग आ जाते हैं घूमने के लिए अपनी फैमिली के साथ, तो नॉर्मली होटल वगैरह भी फुल रहते हैं सैटरडे संडे को। तो ये मेरी कोई प्री प्लान जर्नी नहीं थी। आज बर्थडे है आज श्री श्री द्वारिकाधीश के साथ अपना जन्मदिन मनाए, दर्शन करें उन्हें उनके। तो अभी हम होटल में ही हैं, मैंने नहा लिया है और होटल की कॉस्टिंग बहुत ज़रा सी थी, मुझे अच्छा खासा नेगोशिएबल कर लिया था मैंने प्राइस उनसे, उन्होंने ठीक ठाक मुझे पड़ गया था। नहा लिया है, गर्म पानी वगैरह की फैसिलिटी थी यहाँ पर, नहा लिया मैंने। अब मैं यहाँ पर अभी टाइम जस्ट हुआ है 8 बजने वाला है, सो अब मुझे उठना है। यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे श्री कृष्ण जन्मस्थली है, तो पहले हम वहाँ जाएंगे, वो कवर करेंगे, वहाँ दर्शन करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि कहाँ जाना है। क्योंकि एज पहले बता चुका हूँ कि मैं यहाँ पर पहली बार आया हूँ मथुरा में, नहीं मालूम है कि कहाँ पर कितनी दूर पर क्या है, तो एक बार इससे ऑटो वाले से पूछूंगा, देखते हैं फिर चलते हैं। जैसे लिए अभी निकल चुके हैं हम, चेकआउट कर लिया हमने होटल से, वो देखो आप। और भाई
यहाँ पे शाम को हमें लगा था कि भाई कानपुर में ही गुंडागर्दी होती, गाजियाबाद में ही गुंडागर्दी होती है यार। मथुरा आके कल मेरी तो हालत खराब हो गई। मैं खाना खाने के लिए बैठा एक जगह तो करीबन 3 से 4 बंदे आ गए। जिस टेबल में बैठा था वो खाली थी और मैं अकेले था, खाना खा रहा था। मेरे जस्ट सामने वाली बेंच पे एक बंदा बैठा के कहता है कि मतलब कुछ बोला नहीं, नशे में था बिल्कुल, जरा बिल्कुल धुत नशे में, इतनी इतनी आंखें खुल रही उसकी, इतनी। और उसने मेरी प्लेट से मतलब जो सैलड रखा था, सैलड से प्याज और मूली उठाया खाने लगा। उसके साथ वाला बंदा था, उसने मेरे कंधे पे हाथ रखा, वो मेरे पीछे ही खड़ा था जस्ट, उसने मेरे कंधे पे हाथ रखा और उसने मतलब आंखों से थोड़ा सा इशारा किया कि भाई अगर ठीक है भाई। यार अजीब दादागिरी है ये भाई। खाना वाना खाया, पेमेंट करी, तुरंत निकला मैं वहां से। तो मैंने कहा भाई रिस्क नहीं लेने का बिल्कुल भी। तो अभी हम चले जा रहे हैं यहाँ से, कुछ वॉकिंग डिस्टेंस पे बता रहे हैं कि सोलो जर्नी का अपना एक अलग मजा है। हाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है बट स्टिल मतलब यू आर गोइंग टू नो अबाउट दैट कि आप में कितना पोटेंशियल है आप। खैर मेरी मोस्टली जो ट्रैवलिंग होती है वो सोलो ही होती है। सो अभी मैंने किसी से पूछा था, मुझे आइडिया नहीं था यहाँ का बिल्कुल। तो श्री कृष्ण जन्मस्थली जस्ट सामने मेरे, मेन गेट उसका जस्ट सामने, मैं अभी दिखाऊंगा आपको। सो भाई अभी रिसेंटली कृष्ण जन्मभूमि में आ चुके हैं और अभी पहले अंदर जाते हैं, अंदर फ़ोन वगैरह कुछ अलाउ नहीं होगा। तो ये सामने एक क्लॉक रूम है, यहाँ पर आप अपना सामान वगैरह रख सकते हो। तो चलो भाई पहले चीज़ बड़ी गलत है, फ़ोन आपको अलग सबमिट कराना पड़ेगा क्लॉक रूम में, फ़ोन और बैग जो है आपका, बैग आपको अलग सबमिट कराना पड़ेगा क्लॉक रूम में। यार ये बड़ी थोड़ा दिक्कत वाली बात है। अब मैंने बैग जमा कर दिया अपना, फ़ोन रह रहे हैं, फ़ोन और वॉलेट रह रहा है। तो वॉलेट तो मैं भी अंदर जा ले जाने थे अपने साथ में, बट फ़ोन अब अलग लाइन लगानी पड़ेगी फ़ोन में। हालांकि अभी सुबह सुबह का 7 बजा हुआ है जस्ट, तो अभी मतलब 7:30-8 बजा हुआ है, इतनी कुछ प्रॉब्लम वाली बात नहीं, बट ये एक जगह करना चाहिए, मे बी उनका कुछ सिनेरियो हो। चलो फिर ठीक है, फ़ोन सबमिट करते हैं फिर देखते आगे। भाई अभी जस्ट श्री कृष्ण जन्मभूमि से दर्शन करके बाहर आए हैं और जो एक्सपीरियंस है आई कांट शेयर, मतलब भाई अल्टीमेट एक्सपीरियंस, अल्टीमेट जिसे बोलते हैं ना, मतलब भाई आपके जो दोस्त है ना जो बोलते हैं पत्थरों में जान नहीं होती और ये वो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, भाई उनसे बोलो अरे रुको जरा भाई आप यहाँ आओ श्री कृष्ण जन्मभूमि में। मैं बैक टू बैक 2 बार में गया दर्शन करने, जो मूर्ति बनी हुई है मतलब इतनी अल्टीमेट मूर्ति है, इतनी लगता है बस राधे रानी अभी बोल पड़ेंगे, कुछ ना कुछ बोल पड़ेंगे भाई। मेरे तो आंसू निकल आए वहाँ पे मूर्ति देखते, हमने कहा बाबा इतनी देर कर दी आपने बुलाने में, पता नहीं कहाँ घूमाया मैं, HP चला गया, उत्तराखंड चला गया, पता नहीं कहाँ हुआ, बस घर के बगल में चीज़ थी बताओ, मंदिर था यहीं नहीं आ पाया था। तो भाई बहुत ही अल्टीमेट एक्सपीरियंस रहा अभी तक मेरा यहाँ पर, और अभी आगे भी कुछ कवर करेंगे तो ज़रूर दिखाएंगे आपको। सो स्टे ट्यून्ड विद अस श्री राधे। भाई अभी जस्ट अपन दर्शन करके निकल रहे हैं और भाई अब मुझे इतना पता है नहीं कि कहाँ जाना है, और यहाँ से वृंदावन के लिए सोच रहे हैं। अभी टाइम जो हो रहा है वो 9:30 हो रहा है, तो पहले कुछ खाने वाने का देखते हैं, फिर कुछ खाते पीते हैं। और मैं कहाँ हो आया बताओ, यहीं बाकी रह गया था। ठाकुर जी को देखा सबसे पहले मैंने, यही बोला बाबा बहुत देर कर दिया आपने बुलाने में, वो एक्सपीरियंस जो था फर्स्ट टाइम वाला बहुत ही अल्टीमेट एक्सपीरियंस था भाई, बहुत ही अल्टीमेट एक्सपीरियंस था। सो अभी जा रहे हैं हम, अभी कोशिश करेंगे कवर करने की, तो देखो कहाँ जाते हैं, कहाँ निकलते हैं, लोग क्या बताते हैं। जय श्री राधे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आगे हम प्रेम मंदिर वृंदावन के लिए निकलेंगे, तो वो ब्लॉग अलग वीडियो में सेपरेट करूंगा मैं, क्योंकि अगर इसी वीडियो में करूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा।
सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और थोड़ा सपोर्ट करें। जय श्री राधे, स्टे ट्यून्ड विद अस, थैंक यू।